वाराणसी की बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज का सर्वे पूरा हो गया है। भूमिगत तहखानों की वीडियोग्राफी का सर्वे सुबह 8 बजे से शुरू कर दिया गया था, जो लगभग 4 घंटे चलकर पूरा हुआ। इस सर्वे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर से पहले करीब 800 मीटर की दूरी पर थाना चौक के पास सभी लोगों को रोक दिया गया। वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। वाराणसी कोर्ट ने किसी भी हालत में सर्वे की कार्रवाई न रोकने का निर्देश दिया है। अगर कोई बाधा उत्पन्न करता है तो सख्त कार्रवाई के निर्देश वाराणसी डीएम के द्वारा दिए गए हैं। वहीं आज सफलतापूर्वक सर्वे पूरा होने के बाद कल भी सर्वे का काम जारी रहेगा। वहीं सर्वे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। बता दें, ज्ञानवापी मामले को लेकर वाराणसी की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने स्थानीय अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि उसका कहना है कि अगर उच्चतम न्यायालय इस पर कोई फैसला नहीं देता है तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तब तक वो ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी सर्वे कार्य में सहयोग करेगा। बता दें, 5 अगस्त 2021 को कुछ महिलाओं ने वाराणसी की लोकल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर समेत कई विग्रहों में पूजा करने की अनुमति देने और सर्वे कराने की मांग की थी। इसी याचिका पर कोर्ट ने यहां सर्वे करने की अनुमति दी थी। हालांकि जब टीम सर्वे करने पहुंची तो वहां मुस्लिम पक्ष के लोगों ने उन्हें मस्जिद की वीडियोग्राफी करने से रोक दिया, जिसके बाद मामला वाराणसी कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने सर्वे करने की अनुमति तो दी ही, साथ ही वीडियोग्राफी की अनुमति भी दी है, जिसके बाद से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे किया जा रहा है। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।